तो मेरी माँ आ गई, तो जैसे उसने खोद के वो सोना निकाला ना, तो एकदम से दरवाजा बाहर खुला, तो छोटी छोटी दीवारें थी बराबर में कूदी, तो इतने वो अंदर बड़े वो भाग के ना फिर जाके छिप गई। अच्छा। नानी नाना मतलब जो वहाँ से सोना निकाल के ले गई, अपना जो सोना था वो निकाल के ले गई। मतलब वो कोई उनको देखने के लिए आ गया था कि ये क्या कर रही है अंदर ऐसे? ना, अंदर लूटने के लिए बढ़ गए कई मुसलमान। अच्छा अच्छा, लूटने के लिए घुस गए थे। घुस गए थे, तो इसमें मुसलमान रहता था। हाँ जी। तब कहते हैं नई नई बनी थी। अच्छा, उस टाइम भी नहीं बना के छोड़ गया था। बनी थी तो ये मतलब जब हो गया बंटवारा जाना पड़ा। कहते हैं ये ना बैलगाड़ी भर के ले गया अपने। अच्छा। सिक्कों की जैसे इतना धनवान था। हाँ। तो ले गया, रास्ते में लुट गया। मेरे ना कहती मेरे भाई सज्जे ब्याहे भाई मेरी चूड़े वाली भाभी है, तो उनको सबको काट दिया, सब मर गए, सब मर गए उधर। किसी को काटा नहीं, उन्होंने अपनी जान ऐसे बचाई। हाँ। वो दरिया लगता था ना वहाँ पे कोई। हाँ, चनाव दे। हाँ, तो दरिया में जो बुजुर्ग था ना उनका हाँ कोई थे ना बुजुर्ग, उन्होंने अपने बहुओं को दरिया में धक्का दे दिया। मुसलमानों के हाथ नहीं लगने चाहिए अपनी इज्जत बचाने के लिए। मर जाएंगे मगर मुसलमानों के हाथ में हमारी बहू बेटियां हमारे मुसलमानों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। हेलो एंड वेलकम जी, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल, जो कि आपका अपना YouTube चैनल है, अनटोल्ड पार्टीशन स्टोरीज, जिसे आप सर्च कर सकते हैं अनटोल्ड हिस्टोरिकल स्टोरीज नाम से भी। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आप और किस गाँव या किस शहर या किस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम शो करते हैं वीडियो। माता जी राम राम। राम राम जी। माता जी, सबसे पहले ना अपना नाम दसो दे। सुदेश। सुदेश जी, मैंने ना थोड़ा पहले ना जरा उत्थे पाकिस्तान पिंड आई जरा भी आसे पासे जो भी पिंड हैं उन्होंने बारे कुछ दसो जी। पहले तो कड़ा पिंड आई थोड़ा? हमारी माता जी बताती थी। हाँ जी, हाँ जी। के उनका गांव गांव था गट्टी। हाँ जी। अच्छा, ये जंग में आई? मतलब मेरे दादी दादा। अच्छा। रहते थे। ठीक है। तो जो नानी नाना थे वो गट्टी रहते थे। गट्टी। हाँ जी। ठीक है। तो जब 47 में वो बंटवारा हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये मतलब जो मेरी माँ थी ना ये किसी के घर में छुप गए जाके, मेरे नानी के घर आई हुई थी मेरी माँ। अच्छा अच्छा। तो पड़ोस में जैसे पता लगा ना भी बाहर से कोई आए हैं लूटने, तो वो किसी के घर में जाके पड़ोस में जाके छुप गए। ठीक है। तो फिर बाद में मेरी नानी ने कहा जी, मैं तो ना वो पहले जमीन में सोना गाड़ के रखते थे ना, पहले से छुपा देते थे, छुपा के रखते थे। हाँ जी। मेरी माँ को बोली, कहती है शांति तू जाके ना वो सोना निकाल के ला। अच्छा। मैं तो मेरी माँ आ गई, तो जैसे उसने खोद के वो सोना निकाला ना, तो एकदम से दरवाजा बाहर खुला, तो छोटी छोटी दीवारें थी बराबर में कूदी, तो इतने वो अंदर बड़े वो भाग के ना फिर जाके छिप गई। नानी नाना मतलब जो वहाँ से सोना निकाल के ले गई, अपना जो सोना था वो निकाल के ले गई। मतलब वो कोई उनको देखने के लिए आ गया था कि ये क्या कर रही है अंदर ऐसे? ना, अंदर लूटने के लिए बढ़ गए कई मुसलमान। अच्छा अच्छा, लूटने के लिए घुस गए थे। घुस गए थे। तो उससे पहले ही वो अपना खोद के और निकल के दूसरी दीवार तरफ, दीवार कूद के दूसरी, वो तो अंदर बढ़ गए, तो कूद के जाके वहीं जाके उनके पास अपने चली गई। मतलब अपना बचा लिया, अपने बचा लिया अपने आप। ठीक ठीक। लेकिन वहाँ पे तो ना ये भी बड़ी दिक्कत होती थी कि भाई जनानियों के साथ ना बड़ा बुरा व्यवहार हुआ था, मतलब उनके साथ जैसे इज्जत लूटना मारना। हाँ, ये बहुत कांड हुए हैं बहुत। तो ना ये जो है ना कैंप लगा था। हाँ जी।
और मेरी दादी कहती थी कि ना वो आ गई थी गोरखा मिलिट्री। हाँ जी, हाँ जी। तो आ गई थी तो उन्होंने बचा लिया फिर। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब उनके साथ मिलके जो गए हैं। हाँ हाँ, वो तो बच गए। तो वो तो बच के आए हैं बिल्कुल। जी जी, बच के आए हैं। जो अलग से गए हैं ना, उनके साथ हुआ है जो बुरा हुआ है। हाँ हाँ, उनके साथ हुआ है। ठीक ठीक। और कहते हैं ट्रेन थी एक। हाँ। तो ट्रेन में जाके बैठ गए तो वहाँ मुसलमान पहुँच गए। अच्छा। वहाँ गड्डी काट दी। हाँ, ऐसी बातें सुन रखी है मैंने। वो तो मतलब माहौल ही ऐसा हो गया था कि हर तरफ अपना जान का खतरा हो रहा था, किसी तरीके से मुश्किल से निकल रहे थे। हाँ बिल्कुल। फिर ये वो अलग, मेरे पापा तो अलग अपने माँ बाप के साथ गए। हाँ जी, हाँ जी। रस्ते में वो कैंप के साथ जो ना ठहरते टूटते चले गए। ठीक है। तो माँ मेरी इनके साथ आ गई। जी जी। अपने माँ बाप के साथ आ गई। हाँ जी, हाँ जी। तो रस्ते में जैसे 6 महीने हो गए थे, मेरी बहन हुई। हाँ जी। फिर तक आके मेरी माँ, मैं पैदा हो गई। जी जी। कई साल बाद, 2-3 साल बाद मैं पैदा हुई थी। जी जी। तो गांव ठिकाना रोहतक भी नहीं था। हाँ जी। जैसे डर लगता था। हाँ जी, हाँ जी। ज्यादा आबादी नहीं थी ना। हाँ हाँ, यहाँ पे जैसे इधर से भी चले गए थे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो खाली खाली था सब। बिल्कुल। तो फिर डर लगता था इनको तो रहने में। तो फिर यहाँ इस गांव में आए फिर। अच्छा, समर गोपालपुर। हाँ जी। तो यहाँ आके बसे फिर। ठीक थी। तो यहाँ से भी तो काफी मुसलमान रहते थे इस गांव में, तो ये लोग छोड़ के गए हुए थे यहाँ पे। हाँ। तो आपको उन्हीं के घर मिले थे या फिर अलग से कुछ घर मिला था जो मुसलमान यहाँ से छोड़ के गए थे? मुसलमानों के घर, यही घर मिले थे ना। तो इन घरों में वो कुछ छोड़ के नहीं गए थे या फिर ये यहाँ पे भी लूटपाट हो गई? सब खाली था। यहाँ के बसने वाले थे ना। हाँ, वो लूट ले गए थे। उन्होंने लूट लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे यहाँ हमारे दुकान है। हाँ जी, वापस हो गए थे। इतनी माल दुकान है सामने। हाँ, उच्ची थली बनी हुई बच्चों की है ना थोड़ी। हाँ, तो यहाँ पहले मुसलमानों की हवेली थी। अच्छा। तब अब तोड़ के किसी ने ले लिया ना मकान। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो बना लिया अपने तरीके से। जी जी जी। घेर बना लिया लंगरों का। हाँ। तो फिर मतलब ये हवेली थी तो इसमें मुसलमान रहता था। हाँ जी। तब कहते हैं नई नई बनी थी। अच्छा, उस टाइम भी नई नई बना के छोड़ गया थी। बनी थी तो ये मतलब जब हो गया बंटवारा जाना पड़ा। हाँ जी। कहते हैं ये ना बैलगाड़ी भर के ले गया अपने। अच्छा। सिक्कों की अच्छा। जैसे इतना धनवान था। हाँ हाँ हाँ। तो ले गया, रास्ते में लूट गया। लुटना ही तो माहौल ही वही तो हो रखा था ना। हाँ। उस टाइम पे तो अपनी जान बच जाए वो सबसे बड़ी चीज थी। रास्ते में लुट गया थी। हाँ। और आपने जैसे बताया कि वहाँ पे मतलब अगर अलग से चले जाओ तो लुट जाओगे। हाँ। किसी हाँ। पुलिस फौज के साथ आ जाओगे। हाँ। तो बच जाओगे। हाँ, गोरखा मिलिट्री थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनके साथ जो गए है ना। हाँ जी। वो तो बच गए सर। वो तो बच गए। आपके जो फादर साहब वगैरह थे वो कौन से, लालपुर में रहते थे? हाँ जी। तो लालपुर में कोई गांव थे या खास लालपुर शहर था? शहर था लालपुर। हाँ जी। तो वहाँ से कुछ बताते थे कहाँ होता था आपका घर वगैरह, कुछ याद है कुछ बताया उन्होंने बुजुर्गों ने? जो मेरी माँ ने बता रखा मेरे को वही याद है। तो मेरी दादी तो कुछ बताती नहीं थी। अच्छा अच्छा। बस मेरी दादी तो जी। तो आपकी माँ ने बताया कि आपका घर कैसा होता था वहाँ पे, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने? आपका कहाँ पे होता था घर आपका? मेरी सास बताती थी। अच्छा। मेरी सास बताती थी, कहती थी हमारा मतलब यहाँ दुकान, हमारा यहाँ भी दुकानदारी का काम है। हाँ जी। तो पाकिस्तान में भी मेरे ससुर दादा ससुर जो हाँ थे सारे सबका तो दुकानदारी, वो दुकानदारी का ही काम था पीछे से भी। अच्छा अच्छा। तो वो कहती मेरी सास घर में भैंस भी रखी हुई थी जी। तो मेरी सास कहती है मैंने क्या करा, जब निकलना पड़ा ना जी। तो घर भरा था जी। भरा घर था तो मैंने क्या करा, तंदूर जलाया। अच्छा। तंदूर जला रखा था या जलाया जैसे भी मतलब जी। तो मैंने ना वो डिब्बे दालों के अच्छा घर भरे थे ना सब तंदूर में डाल दिए। अच्छा। साथ तो कुछ ले जा नहीं सकते, उनके काम भी ना आए। हाँ, हाँ, तो तंदूर में डाल दिए। ठीक है। और सूट थे जो कुछ थे, जो कुछ हाथ में
संदूक वगैरह जो कुछ आया हाथ में वो ले लिया, बाकी सामान था सब आग में डालती गई मेरी सास को। अच्छा, कहती मैं तो तंदूर में डाल दिया। तंदूर में डाल दिया भाई, ले जा नहीं सकते तो उनके भी काम ना आए। लेकिन एक चीज है ना कि जो मान लिया कुछ भी वहाँ पे ज्वेलरी उठाई, जैसे सोना चांदी जो भी उठाया था, तो वो तो छुपा के लाना भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था, तो वो छुपा के कैसे लेके आए फिर? मतलब कहीं कहीं अपने अनाज वगैरह में रखा या फिर कैसे छुपाया? वो भी तो कैसे ना कैसे लाए ही है। हाँ, तो पैसा भी इतना ज्यादा नहीं होता था उस टाइम पे, तो फिर रस्ते में तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी आप लोगों को आने में? ना, ठीक ठाक आया है। एक और यहाँ पे थी बुजुर्ग, तो वो इतना रोती थी, कहती थी मेरे मेरे ना कहती मेरे भाई सज्जे भी आए भाई मेरी चूड़े वाली भाभी। अच्छा है, तो उनको सब काट दिया, सब मर गए, सब मर गए उधर। किसी को काटा नहीं, उन्होंने अपनी जान ऐसे बचाई। वो दरिया लगता था ना वहाँ कोई, दरिया चनाव दे। तो दरिया में जो बुजुर्ग था ना उनका कोई थे ना बुजुर्ग, उन्होंने अपने बहुओं को दरिया में धक्का दे दिया। अभी मुसलमानों के हाथ नहीं लगने चाहिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। मर जाएंगे मगर मुसलमानों के हाथ में हमारी बहू बेटियां हमारे मुसलमानों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने दरिया में धक्का दे दिया। रोने पड़ती थी और याद करके वो बातें। हाँ, वो रोती थी। एक बुढ़िया थी, कहती मेरे सज्जे ब्याह भाई, मेरी भाभी चूड़े वाली भाभियां सब दरिया में धक्का दे दिया, बाद में आप छलांग मार गए। बुढ़े बुजुर्ग सबको दरिया में धक्के दे के तो फिर आप मर गए। अच्छा, ऐसे वो याद कर कर के रोती थी वो बुढ़िया। मेरे को इतना याद है। मतलब हालात तो इतने बिगड़ गए थे ना उस टाइम पे, बहुत लोगों के, किसी को कोई माँ रह गई, किसी की बहन रह गई, किसी का बाप रह गया। अच्छा, वहाँ पे जो रह गए वो मुसलमान बन गए फिर? हमारे मेरी सास बताती थी जैसे मेरे ससुर और मतलब चाचे ताऊ के मतलब भाई थे, जो चार भाई हों, जैसे ससुर और चार भाई हैं, जैसे आगे चाचे ताऊ के हैं, तो चाचे ताऊ में एक लड़का था तो उसका मुसलमानी से मतलब प्यार था। तो वो वहाँ फिर आया नहीं उनके साथ। अच्छा, वो वहीं रह गया, वो मुसलमान बन गया, मुसलमान ही बन गया। और वही बचा के इनको ले आया मेरे ससुराल वालों को। मेरी सास बताती थी, कहती थी वो ही हमारे को, वो मुसलमान था ना, तो उसके सामने किसी ने हमें कुछ कहा नहीं, ताकत नहीं कहने की। तो हमें ट्रेन तक जहाँ तक भी या कैंप में इकट्ठे इकट्ठे हुए थे, वहाँ वहाँ फिर नहीं कुछ कह सकते इकट्ठे में, क्योंकि वहाँ कुछ मिलिट्री का बंदा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए तो वहाँ तक छोड़ गया, वो मुसलमान था ना जो वही रह गया था। ठीक है, वो मुसलमान ही बन गया था उधर। हाँ, तो बन गया था ना, तो वही बचा के ससुराल वालों। जी। कभी कोई फिर आपके घरों में से या आपके बुजुर्गों में से कोई फिर वापस अपना घर देखने गया या फिर वहाँ कुछ छोड़ के आए हो तो उसको लेने गए? नहीं, कोई नहीं गया ना। ठीक, तो वहाँ आपकी कोई जमीने वगैरह भी होती थी? हाँ, जमीने हमारी तो पता नहीं, अब मेरे को नहीं पता होती थी कि नहीं। ये बताइए जी के वहाँ के जो आपने बताया कि लैलपुर थी एक जगह और दूसरी जगह कौन से बता रहे थे आपके गांव जो था? गट्टी। अच्छा, ये कौन से जंग में ही होता था ये? जंग में। अच्छा, वहाँ की किसी और आसपास गांव के कोई नाम वाम याद है कोई? कुछ नहीं, अभी सब भूल पड़ गया सब। ठीक, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। अच्छा, आपके जो बड़े बुजुर्ग माता जो बताती थी तो उन्होंने बताया होगा कि आपकी मतलब वहाँ पे परचून की दुकान थी या कुछ और भी काम होता था? परचून की दुकान थी क्या? परचून दी ऐसे ऐसे रखते थे घर। हाँ जी, एक बार उनके नाम बता दो जी, अपने जो बुजुर्ग थे ना उनके नाम, जैसे आपके फादर साहब या आपके ससुर या ससुराल वालों के। हाँ जी, मैं इतना तो नहीं जानती, जैसे मेरे दादा
का नाम बताऊं? हाँ जी, हाँ जी। मेरे दादा राम प्यारा जी हाँ जी। तो उनके पिताजी का नाम नानक चंद। हाँ। कास्ट क्या थी आपकी? मिनोचा या आहुजा? अच्छा, मिनोचो के घर तो आप आए हो? हाँ जी। ठीक, तो आहुजा थे आपके घर वाले? हाँ जी। ठीक, और आपके जो ससुर थे इनका क्या नाम? उनका, मेरे ससुर का नाम बहादुर चंद मिनोचा। मिनोचा जी जी। तो उनके पिता का नाम था निहाल चंद मिनोचा। हाँ जी। तो जो बहादुर चंद मिनोचा जी और जो लाल चंद मिनोचा जी थे, ये लालपुर में रहते थे? निहाल चंद जी लालपुर में नहीं रहते थे, यही गांव में रहते थे। ये भी गांव में रहते थे, वो लालपुर में तो मेरे दादी दादा रहते थे। अच्छा, ठीक ठीक। ये गट्टे में रहते थे? गट्टी में। ठीक, गट्टी में। तो जो आपके दादा दादी थे वो लालपुर में रहते थे। चलो जी, ठीक है जी। माता जी की ये आप बेटी थी जी, माता जी ने बताई है, और हम माता जी की उम्र की और स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हैं कि ये बैठे रहे हमारे सर पे, हमें आशीर्वाद देते रहे। जी जी, शुक्रिया जी। तो जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, माता जी आशीर्वाद दो जी, बेटा खूब तरक्की करो। शुक्रिया जी।